Good afternoon, my dear students. So today I will discuss history, but year wise you can learn and memorize it also. And after this, I will give the all the topics that's what happened, the important topics regarding to the history. I will explain it. So okay, let us start. So, I have also told you that. You have to watch this. This is very useful, and this is a history. This is regarding Indian history chronicle wise. Chronicle means that the serial wise, you can say. So this is one part also. You have to remember, but it is more important that the what is the topic, and many students cannot understand what is this, what is this. So I will explain bilingual in the sense. हिंदी एज वेल एज इंग्लिश ऑल्सो. तो हम ये जो है हम सीक्वेंस जो लिखे हैं इसको समझने की कोशिश करो. यहाँ पर हम सबसे पहले थोड़ा सा दे देता हूँ. 1800 जो हुआ था 1857 में क्या हुआ था, 1757 में क्या हुआ था. ये 1757 1857 क्या होता, प्लासी का बैटल हुआ था, ये याद रखना. 1764 सात साल के बाद बक्सर का हुआ था, तो उसमें किसके बीच में उसे हम बताएंगे. तो प्लासी का बैटल किसके बीच में हुआ था, लॉर्ड सॉरी क्लाइव था, इंग्लैंड बोल सकते हैं, लॉर्ड क्लाइव बहुत बार पूछा, लॉर्ड क्लाइव एंड क्या है सिराजुद्दौला, ठीक है. तो वह हार गया, तो उसको मीर जाफर जो है धोखा दिया, तो वह हम एक्सप्लेन करेंगे. और 1857 में जाते हैं तो ये सिपाही म्यूटिनी बोलते हैं या सैनिक विद्रोह बोलते हैं या लेकिन इसको जो है सो इंडियन इंडिपेंडेंस ऑफ वॉर जो है सो इसको बोला जाता है. क्योंकि ये कौन बोला था, फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंस वॉर हु से, एक हिस्टोरियन था, इंडियन हिस्टोरियन था बी डी सवाल का. और एस एन बोला था, एस एन याद रखना पूछा है हुआ, एस एन बोला था 1857 जो है ये क्या है, सिर्फ सिपाही अपना जो है सो लड़ रहा है या अपना जो अनसिविलाइज है या मतलब बुर्जियस वर्ग और मतलब दो क्लास में स्ट्रगल हुआ इसलिए, लेकिन देश के. लेकिन बी डी सावरकर जी बोले जो ये जो 1857 का हुआ था, ये जो बैटल हुआ था ये पूरे देश के लिए था, फर्स्ट वॉर था. क्योंकि इंग्लैंड जो है सो जैसे पूरा शोषण कर चुका था, जिस कारण जैसे भारतवासी जैसे बहुत मतलब जब हद से पार जब हो जाता है तभी ये विद्रोह हुआ था, जिसमें झांसी की रानी बख्त खां जिसको बहादुर शाह जाफर बोलते हैं, वह दिल्ली से था. वैसे हम बताएंगे कौन कहाँ से रिलेटेड था. तो यहाँ पर और एक सेंटेंस बन जाता, झांसी की रानी को बोला था जो एक तो इंग्लैंड बोला था, वह एक्चुअली लड़ते लड़ते हार गई थी इस युद्ध में और मर भी गई थी. तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ जो छोड़ा था मतलब करने का सेंस लॉर्ड डलहौजी, तो इसीलिए बहुत सारे कारण रीजन बताएंगे. तो उसको निकोलस बोला था, हुड्रोस बोला था, जो एक ही मर्द था जिससे 1857 में हम युद्ध किए. ये सेंटेंस याद रखना, ये बात कौन बोला था, तो एक ही मेल था जो युद्ध में जो है अच्छी तरह से युद्ध किया, तो वह किसको संबोधित किया, एक झांसी की रानी को. तो यह ट्रेम्बर ये सब जो जो बोल रहे हैं सब कुछ पूछा होगा. अब एक साल बाद ये 1858 में क्या हुआ, क्वींस प्रोक्लेशन मतलब क्या, विक्टोरिया आया. क्योंकि विद्रोह के बाद ये ईस्ट इंडिया कंपनी भी बंद हो गया. उसके बाद ये जो है हम लिखे हैं ईयर, हिंदू मेला या हम एक्सप्लेन करें ये सब इसी वैसे रखो. 1875 में क्या हुआ था, इंडियन लीग. अब जैसे 1875 में जाते हो तो वहीं पे 1975 में जाओगे तो ये हमारा जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1975 में फर्स्ट इंटरनेट लॉन्च हुआ था 100 साल बाद, जिसका नाम क्या था, आर्यभट्ट था. या 1885 में क्या हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस का स्थापना हुआ था. क्योंकि सेटअप हुआ था, सेटअप मतलब इस्टेब्लिश हुआ था. कौन क्या था, एओ ह्यूम था, मतलब हु एस्टेब्लिश कांग्रेस, तो एओ ह्यूम. और कौन था, डब्ल्यू सी बनर्जी, फर्स्ट प्रेसिडेंट डब्ल्यू सी बनर्जी. तो याद रखना है मैं जो बोल रहा हूँ उसको याद बोलते हैं और सुनने से बहुत याद होता है और देखने से भी होता है. और उसके बाद 1901 में जो है सो ये जो हम बताएंगे एक्चुअली सीरियल दे 1901 में जो हुआ था जो सरवती शांति निकेतन आश्रम स्कूल, ये इम्पोर्टेंट बन जाता है, नया नया टॉपिक देगा मतलब 1921 में.
1921 में शांति निकेतन जानते हो, तो एक शांति निकेतन आश्रम, यही तो जो है शांति निकेतन में जो है सो गीतांजलि जो है बुक जिसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल प्राइज, फर्स्ट एशियन था और फर्स्ट इंडियन भी था रविन्द्रनाथ टैगोर। तो यह जो है सो मतलब यही जो है सो एक शांति निकेतन यूनिवर्सिटी बन गया, बहुत सारा चीज़ है तो ये सब बताएंगे। उसके बाद यहाँ से याद रखना, देखो ये 1857 जो रिवोल्ट हुआ इससे पीछे बहुत सारा कारण है। जैसे 1757 में बोले तो लॉर्ड क्लाइव जीत गया इंग्लैंड, सिराजुद्दौला को हरा दिया, ठीक है। तो ऐसा माना जाए सिराजुद्दौला जो है सो कम से कम 99 एक ठो मतलब कैंप में जो है सो एक रूम में जो है सो कत्ल कर दिया था। तो ये सब डिस्कस करेंगे, खाली याद रखना है 1764 में क्या हुआ था, ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। 1784 में क्या होता, तो एशियाटिक सोसाइटी जो कोलकाता में है, कहाँ पर है, कोलकाता में है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वेरी वेरी सब जितने टॉपिक है सब इम्पोर्टेंट है। VVI 1784 में सर विलियम जॉन्स एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किया था, इतना याद रखना। हम ये चीज़ क्या समझाएंगे। उसके बाद ये 1767 में क्या हुआ, सन्यासी रिविजन, सन्यासी विद्रोह बोलते हैं, ये इम्पोर्टेंट याद रखना। 1700 ये पूछ देता है परमानेंट सेटलमेंट क्या होता है, जब हम बताएंगे तो जब जितना सारा अपना गवर्नर सब था तो हम समझाएंगे ये सब क्या चीज़ है। तो परमानेंट सेटलमेंट कब हुआ था ऐसे डायरेक्ट याद रखना, 1793। और ये कौन क्या था, तो ये तुम्हारा जैसे कर्नवालिस क्या था, कौन क्या था, कर्नवालिस, कार्ड याद रखना, ठीक है, कार्ड फोर्ड कर्नवालिस याद रखने का टेक्निक है और समझने का भी सुनते सुनते। उसके बाद 1819 में भील रिविजन हुआ, भील एक जाति है, वे युद्ध किया, उसका जो है सो वार किया। 1820 से 70 तक ये ही बहुत है, बहुत बार पूछ चुके हैं। 1857 रिवोल्ट होने के बाद ही कौन ऐसा मूवमेंट है जो चलता ही रहा, तो बहुत सारा मूवमेंट है लेकिन ये मूवमेंट जो है खास करके वहावी मूवमेंट, तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सीरियल मतलब ये क्या होता है और क्या हुआ था इसके साथ। तो ये 70 तक चला था, ये इम्पोर्टेंट याद है, 20 में हुआ था और उसके बाद ये 70 तक चला था। तो ये वहावी मूवमेंट हुआ था, वहावी विद्रोह बोल सकते हो। 1831 में क्या होता, बैटल ऑफ रालाकोट, ये क्या होता, बैटल ऑफ रालाकोट, बहुत बार पूछ दिया 1831 में 1831। तो ये क्या चीज़ें है हम बताएंगे, इधर से हो गया है ऊपर में देखो। 1831 में क्या है, संवाद प्रकाशन, ये फर्स्ट बंगाल का क्या था, ये एक मैगजीन बोल सकते हो। वैसे अगर पूछेगा फर्स्ट मतलब क्या गजट कौन सा था, बंगाल गजट समझ गया। और ये संवाद प्रकाश भी 1800, अगर संवाद प्रकाश पूछेगा 1831, इतना याद रखो। उसके बाद हम समझेंगे ये सब क्या है। 1835 में चार्टर एक्ट भी आया था, तुम्हें विलियम चार्टर एक्ट हुआ। 1835 में बहुत सारा इंसिडेंट हुआ लेकिन मेन जो अभी दिया उसको याद रखो, फ्रीडम प्रेस बाय द मेट क्लेफ, मतलब कहने का सेंस क्या, पेंटिंग जो हुआ था तो उस टाइम में भारतवासी को नहीं था, तो भारत इंडियन को जैसो जो जो प्रिंटिंग कर रहा है वे सब जैसो प्रेस करने का या पब्लिश करने का उसको ये परमिशन मिल चुका था। 1854 में क्या, ये बहुत इम्पोर्टेंट पूछ देता है, जो वुड डिस्पैच क्या है, वुड डिस्पैच है क्या, वुड डिस्पैच एक्चुअली तुमको पहला क्वेश्चन तो ये पूछेगा वुड डिस्पैच क्या है, वुड डिस्पैच कब लागू हुआ था 1854 में, तो ये है क्या, तो 1800 ये है एजुकेशन के क्षेत्र में, इंग्लिश एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए खास करके स्पेशली वुमेन, समझ में आया। तो ये याद रखना है वुमेन, ये वुमेन को बढ़ावा देने के लिए। और उसके बाद जो है सो 1800 विद्यासागर लिखा हूँ, बताएंगे कि विद्यासागर जी क्या कहते थे, ये रीमैरिज है, पहले वीडो मतलब जो विधवा होता है उसको शादी करने का तो हक नहीं है, तो वे जो है सो अधिकार दिलाए थे। और इसे थोड़ा 1829 में जो हम लिखे कहीं पर सती सिस्टम यहाँ पर लिखा हुआ, 1829 में सती सिस्टम को एबोलिस्ट कर दिया गया था, तो वे कौन था, विलियम बेंटिक याद रखना, बेंटिक ऑप्शन मिलेगा आराम से, और बताएंगे सब कुछ जब, ये तो हम क्रॉनिकल बता रहा हूँ। 1829 में सती सिस्टम हुआ था। स्वामी विवेकानंद से अगर तुमको देगा तो याद रखना, उनका टाइम पीरियड जो है सो मतलब लाइफ स्पेन जो है 1863 से 1902 तक रहे थे, और यहाँ पे दो ठो बन जाता है,
ये 1893 में शिकागो अमेरिका में जैसे फर्स्ट स्पीच दिए थे रिलीजन पर, ये पूछ देता है 1893, ठीक है। और 1857 क्या किए थे, रामकृष्ण मिशन का स्थापना किए थे शिकागो अमेरिका यूएसए, पीस दिए थे ये 1893 1897 रामकृष्ण मिशन का इस्टेब्लिश हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 12 जनवरी याद रखना, ये भी पूछ देता है 12 जन को क्या होता है, यूथ डे मनाया जाता है। तो यहाँ से हमको सब इम्पोर्टेंट मिल रहे हैं, ये सब बताए सती सिस्टम। उसके बाद यहाँ से अगर एक सब पीछे जाओगे तो 1828 में राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज का, कौन सा ब्रह्म समाज का स्थापना किए थे, ब्रह्म समाज। और ये आगे हम बताएंगे ये कैसे स्प्लिट होता है, मतलब डिवाइड होता है, बढ़ जाता है। इतना याद रखो 1828 में जो है सो ब्रह्म समाज का, 1829 में जो है सो सती सिस्टम। सती सिस्टम क्या, कोई किसी का पति मर गया तो औरत को भी जिंदा जला देता है, ये सब चीज़ हम बताएंगे, ये सब चीज़ क्या है। और ये तुम लोग भी, मतलब आप लोग भी इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है सो उस समय था गवर्नर, वे ये एडजस्ट कर दिया और ये अच्छा ही हुआ हमारे देश के लिए, ब्रिटिश एक्ट के लिए बहुत अच्छा भी किया, लेकिन ज़्यादा खराब किया हमारे देश के जो भी थी। उसके बाद ये सब हो ही गया है। उसके बाद इंडिगो, ये याद रखना 1859-60 इंडिगो रिवोल्ट चला, हम इस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना याद रखना इंडिगो रिवोल्ट क्या था वो समझाएंगे। उसके जब हम ये विद्यासागर बोल दिए 1858 हुआ था रीमैरिज एक्ट, मतलब क्या कोई भी विधवा जो है सो शादी कर सकता है। पहले तो ये हटा सकती सिस्टम, तो पहले तो मतलब वो कुछ कर ही नहीं सकता, जो विधवा है इसका पति मर गया तो वे तो जलाना तो बंद हो गया। तो ये 1858 में क्या हुआ, विडो री मैरिज एक्ट, मतलब विधवा एक्ट है। कोई भी चीज़ जो है सो कानून बनता है उससे पहले मतलब एक्ट आता है, उसके बाद पहले सेटअप होता है, उसके बाद एक्ट आता है, तब जाकर के वे कानून बनते। जैसे सी ए का बात, पहले ये बना बिल की तरह बना, उसके बाद जब उसको प्रेसिडेंट साइन कर दिया तो वे कानून बने, जब तक प्रेसिडेंट का साइन नहीं हुआ तो काम नहीं है। तो वन बाई वन उसके बाद हम वाले इससे समझा भी रहा हूँ ये संथाल। अब उसका देखो 1855 में क्या होता है, संथाल भी देखो, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें कौन से सिद्धू कानू दोनों ब्रदर थे, ये लड़ाई किए थे, हम समझाएंगे संथाल दिवाली। इतना याद रखना 1855 में सिद्धू कानू, ठीक है, रिविजन हुआ था। 1819 में क्या होता, मुंडा हुआ था। उसके बाद 1798 से लेकर के ये जो है तुम्हारा ये रिवेलन हुआ था, चौर मूवमेंट होते हैं। 1898 में फराजी हुआ था। 1831 से मतलब ये बना था कोल विद्रोह जिसको बोलते हैं। तो यही से विद्रोह का 1857 में जो है सो विद्रोह शुरू हुआ था। तो ये सब हम डिस्कस किए हैं, ये सब खास करके ये याद रखना, सब याद रखना। और एक बार जो चार लोगे, और ये क्या होता है 1857 एक तो होता है CU कलकत्ता मेडिकल कॉलेज जो बोलते हैं, और कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो है वे उसका भी स्थापना 1857 में ही हुआ था। तो बहुत सारा इंसिडेंट हुआ, लेकिन हम सीक्वेंस बोला मेन जो है, और उसके बाद बताएंगे जब हम पूरा बताएंगे और वीएम सीरियल क्रॉनिकल दे रहा हूँ जो वन बाई वन केस क्या हुआ था। अब जैसे 1905 में क्या हुआ, बंगाल का विभाजन भी हुआ था, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, कौन क्या था, लॉर्ड कर्जन क्या था, एक नंबर वैसे क्यों देता। उसके बाद क्या होता, देखो भाई इसको 1905 से 11 कर दिया तो क्या होता, बंगाल में मूवमेंट चल रहा था, वही जो हम बोले हैं। और यहाँ पे क्या है, ट्राम स्ट्राइक इन कोलकाता, यहाँ पे 1905 में और एक इंसिडेंट ट्राम के लिए, ट्राम यहाँ पे फेमस है कोलकाता पूछ देता है, तो ट्राम का स्ट्राइक हुआ था। 1912 में क्या, दिल्ली शिफ्ट हो गया, 11 में पहले लागू मतलब बना, और शिफ्ट कब हुआ तो 12 में, याद रखना बहुत स्टूडेंट कन्फ्यूज रहता है इस पर, जो कब दिल्ली कैपिटल कब बना, पहले था कोलकाता ही, तो ये 1912 बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो दिल्ली हमारा क्या बन गया कैपिटल, ठीक है दिल्ली। और 1914 तो बहुत हम जानते हैं, 1914-18 क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। 1914 से लेकर के 1918 तक क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध, उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था, 1939-1945, ठीक है। उसका रिवेंड हो आता है, उस सब डिस्कस करेंगे, इतना याद रखना है कब उसका टाइम पीरियड है, ठीक है। तो उसके बाद हम जब वर्ल्ड हिस्ट्री में जाएंगे तो समझाएंगे, या बता रहा हूँ 1914-18 इसलिए क्योंकि 1914 भी लिखा है यहाँ पर, 1918 ये 4 साल के सो फर्स्ट वर्ल्ड प्रथम विश्व युद्ध हुआ था।
तो 1918 में और क्या हुआ, तो जो हमारा एक्चुअली मैं बता रहा हूँ इंडियन हिस्ट्री से, लेकिन जो जो टॉपिक आ रहा है वो थोड़ा बोल दे रहा हूँ, तो मतलब तुम लोग को सुनने में समझने में अच्छा लगेगा। उसके बाद क्या है, 1919 में रॉलेट एक्ट आया था, ये याद रखना। रॉलेट एक्ट क्या है, काला कानून बोलता है, बिना मतलब किसी को भी उठा लेता था। उसका कारण था जलियांवाला बाग मसका, जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को ही हुआ था, जे एम कर दिया, जलियांवाला मसका मतलब जलियांवाला हत्याकांड। अब 1920 में क्या हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये सीएम कर दिया, सीएम मत समझ लेना, नॉन कॉपरेशन असहयोग आंदोलन, गांधी जी यहाँ से यही से शुरुआत करते हैं। 1917 में चंपारण में रिवोल्ट किए थे, ये भी लिख लेना सीक्वेंस में, 1917 यहाँ पे यहाँ बीच में जाएगा, 1917 ये चंपारण में रिवोल्ट किए थे, मतलब बिहार में जो किसान पर भी जो बलजोरी टैक्स ले आता था उसके लिए। 1920 में चला था और 22 से 21 तक चला ये नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, पूछा गांधी जी चलाए थे। और ये जो है सो तो सत्य अहिंसा के पुजारी थे, एक्चुअली सत्याग्रह वो साउथ अफ्रीका से शुरू किए थे, और 1915 में से भारत आए, उसके बाद आने के बाद देखे भारत कैसी थी है, इसीलिए बोलते हैं जो गांधी जी का एंट्री 1915 के बाद जो है सो होता है, 1917 से तब जा करके देश को पहचान में आता है, जो गांधी जी भी जो है सो मतलब देश के लिए। उसके बाद ये 1922 क्यों उम्मीद दिए, 22 इसलिए क्योंकि चौड़ी चौड़ा मतलब मैस कर हुआ था, एक इंसिडेंट हो गया तो वहाँ पे एक तो थाना को चला दिया, तो ये भी पूछेगा चौड़ी चौड़ा में मतलब कब हुआ था, तो 1922। अब देखो 1923 में क्या होता है, हिंदुस्तान लेबर स्वराज पार्टी का भी स्थापना हुआ था, और दोनों हिंदुस्तान लेबर और उसके बाद स्वराज पार्टी, ये मोतीलाल नेहरू और भी एक तो और थे वे, मतलब ये याद रखना स्वराज पार्टी कब हुआ था, 1923 में। 1924 में क्या होता, तो मर्डर ऑफ अलसारी सीताराम, ये पूछ देता नया क्वेश्चन है, क्योंकि उसको मार दिया गया था, तो वो हम बताएंगे क्यों मार दिया गया था, याद रखना 1924। 1925 के बहुत इंपॉर्टेंट में होता है काकोडी, यहीं पे जो है सो राम प्रसाद बिस्मिल बोले थे ट्रेन को जब लूट रहे थे 1925 में, काकोडी जो सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजू है कातिल में, तो ये 1925 बहुत इंपॉर्टेंट है, काकोडी मतलब पूरा ट्रेन को लूटे थे, तो जो भी हम बताएंगे सब सब बोले, ये हम ईयर वाइज ऑलरेडी लिख दिया हूँ, ये ईयर वाइज सब चीज़ें कैसे। 1926 में क्या हुआ था, तो ये हुआ था कांग्रेस बॉम्बे का एक अधिवेशन हुआ था, उसके बाद 1927 में क्या हुआ था, साइमन कमीशन सेटअप हुआ था, तुमसे अगर पूछेगा जो कब बनाया गया था, तो साइमन कमीशन में ऑल पर्सन आर वाइट, नो बडी इज मतलब ब्लैक इन द सेंस नो वन इज अ इंडियन, कोई भी इंडियन नहीं था। तो 1927 से साइमन कमीशन का सेटअप हुआ था, सेटअप एक्चुअली फेदर वर्ड है, सेटअप मीन्स एस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन अगर हमसे क्वेश्चन पूछेगा साइमन कमीशन आया कब था इंडिया में, तो 1928 याद रखना 1928 ओ पॉज नाउ, तो यही सब डिस्कस काकोड़ी, काकोड़ी का 1925, अब हम बोल दिए हम बताए भी थे, अगेन इसी तरह उनका मर्डर भी हो गया था 1924, और ये हम ये सब बताए हैं इसी तरह जो हुआ था, और यहाँ बोल दिए थे हम और ये एक और। तो 1925 में काकोड़ी हत्याकांड क्या होता है, तो ये जो है सो इसमें रामप्रसाद बिस्मिल यहीं पे बोलते थे सर पड़ोसी की तमन्ना, ये पूरी तरह कौन बोला, तो सर ये रामप्रसाद बिस्मिल जी बोलते थे सर पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजुए कातिल में, तो वे ट्रेन को लूटे, खजाना को लूटे 1925 बहुत बार पूछा है। 1926 बोल दीजिए बॉम्बे में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, 1927 में साइमन कमीशन, उसमें कोई भी नहीं था, ऑल आर ब्रिटिश, ओके जितना था सब क्या था ब्रिटिश था, तो सेटअप हुआ था, कोई भी सेटअप होता है, जैसे हम यहाँ बोले थे 1911 में 11 तक मतलब ये बना जो नहीं, अब जो है कैपिटल शिफ्ट हो जाना चाहिए जो कहाँ पर चला जाएगा दिल्ली में, लेकिन हुआ था कब 1912 दिल्ली कैपिटल बन गया, पहले कोलकाता ही कैपिटल था, तो 1912 ही याद रखना है कब ये कैपिटल हुआ था, 1912 इम्पोर्टेंट और है कि 1912 में क्या हुआ था एनीबॉडी कैन से, तो 1912 में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल मिला, ये भी याद रखना ठीक है। तो मतलब बहुत सारा इस ईयर में तो बहुत सारा हुआ था, लेकिन मैं इंडियन हिस्ट्री पर बोल रहा हूँ तो इसके तरफ ध्यान में रखना है। 1918 में 1919 रॉयल टैक्स जलियांवाला मैस्कर सब इम्पोर्टेंट है, 1920 यहाँ वहाँ पर थे,
तो 1927 में सेवन कमीशन सेटअप हुआ और 1928 में इंडिया में आया। यहीं पे लाला लाजपत राय को क्या हो जाता है, मार देता है, वो भी कैसे, लाठी से मार देता है। तो वहाँ पे एक स्टैंड कोटेशन देते हैं, जो ये मैं मुझको जितना भी मारा गया है ना, इसका लहू का बदला जो है सो इंडियन को दिया जाएगा। तो बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए थे, हम देंगे कोटेशन जितना हिस्टोरियन जो बोला है। जैसे हम यहाँ बोले थे 1857, बार बार बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 1857 इट इज़ द फर्स्ट इंडिपेंडेंस वार ऑफ इंडिया। हु सेड, वी डी सावरकर, शॉर्ट नाम सावरकर याद रखना, रिमेंबर। तो ओके, और उसके बाद क्वीन प्रोक्लेमेशन सब बता चुके हैं, उसके बाद री मैरिज एक्ट भी बोल दिए 1828 में। तो यहाँ पे जो है सो एक ठो बोल देता है लाल बाल पाल, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गांधीराम, और पाल से बिपिन चंद्र पाल। लाल बाल पाल देगा, चार ऑप्शन दे देगा, कौन सा होगा। तो ये याद रखना, ये सुनते सुनते भी हो जाएगा वो। हम ईयर वाइज, हम ऑलरेडी बोल रहे हैं ईयर वाइज में क्या सब हुआ था, वो सब थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो ये 1927-1929 में क्या हुआ था, मेरठ कंस्पायरेसी केस हुआ था, अभी क्या हुआ था हम डिस्कस करेंगे, इतना याद रखना है। 1929 उसका 1930 में क्या हुआ था, सिविल डिसऑबिडियंस, थोड़ा ये थे गांधी मार्च भी बोलते हैं, ये गांधी जी के थे। ये जो है सो 12 किलोमीटर जो है सो साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी तक गए थे, वे नमक नमक आंदोलन भी बोलते हैं इसको, क्योंकि नमक जो है सो इंडियन को नहीं था अधिकार, तो जो है सो उसको बढ़ाने के लिए जो है सो ये विरोध किए, लेकिन उसमें जेल भी गए, तो वे क्योंकि वे सत्य अहिंसा के पुजारी थे, और उसके पीछे पीछे कौन चलते थे, नेहरू जी, और ही उनका लीडरशिप था सब, क्योंकि 1917 के बाद तो वे उन्हीं का चैप्टर है सब कुछ। उसके बाद जो है सो ये तीन जो टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, ये याद रखें, 1930, 31, 32, ठीक है, तीन जो टेबल कॉन्फ्रेंस भी 1930 में हुआ, और ये घटना भी हुआ यहीं पे 1930 में। जब ये तो यहाँ पे असेंबली में 1929 में बम जो है सो भगत सिंह राजगुरु, और उसके बाद सुखदेव जो है सो असेंबली में फेंका था बम, लेकिन उसका ये इरादा नहीं था जो हम मारेंगे किसी को, ये इरादा था तुम छोड़ो, ठीक है, लेकिन अंग्रेज देश में, लेकिन ये गांधी जी कारण जो फर्स्ट में गए, सेकेंड में गए फर्स्ट में, और ये पूछ देता क्वेश्चन, ये तीनों कॉन्फ्रेंस टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था उसमें कौन पार्टिसिपेट लिया था, तो मैंने पार्टिसिपेट लिया था भीमराव अम्बेडकर, इसीलिए ही इज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम पॉलिटी में पढ़ाएंगे तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस। तो उसके बाद क्या, 1931 में बागस्टो मुंबई, ये याद रखना है 1931। उसके बाद हम लिखे हैं यहाँ पे, ये बता दीजिए क्या है, बता देंगे, ये जो है सो हरिजन मूवमेंट हुआ, ये जो 32 हम लिखे हैं ना, हरिजन कौन बोला था, हम जो दिए थे 100 क्वेश्चन, अच्छी तरह से समझ में आया होगा नहीं, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट में स्लो मोशन में देखेगा, बहुत हिस्ट्री क्या होता है, यूपीएससी अगर बनना चाहते हैं तो जिसका मैथ कम जो जिसको लगता है, तो आपको तो 32 तक तो है ना, यू कैन क्रैक दिस, बहुत अच्छा है, क्योंकि यूपीएससी का प्रिपरेशन और अच्छा है। तो ओके लेट दिस, और क्रैक भी क्यों रिलीज, इसलिए हम बोल रहे हैं। तो हरिजन कौन बोला था, हरी, क्योंकि उस समय में छोटे जाति को, जैसे आर्टिकल 17 बोले थे ना, अनटचेबिलिटी, छुआछूत, ब्राह्मण को छू लेगा तो कोई जाति, तो वे क्या करता, गंगा स्नान नहीं करेंगे तो हम जैसे होगी, ये अंधविश्वास होगा, सुपरस्टिशन होता। तो ये हरिजन मूवमेंट हुआ था। उसके बाद जो है सो 1933 में जो है सो क्या था, रैयती सभा हुआ था। 1934 में क्या हुआ था, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ये सब लिखा हुआ, डू और डाई, गांधी जी स्लोगन देखे, कहाँ हुआ था, तो पहले बम्बई में हुआ, उसके बाद अभी तो मुंबई बोलते हैं ना, लेकिन अगर हिस्ट्री के अनुसार से बोलोगे तो इसका पहला नाम, पुराना नाम क्या था, बम्बई, जैसे चेन्नई का पुराना नाम क्या था, मद्रास। तो ये सब जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं भी। तो उसके बाद 1942 में और क्या हुआ था, क्रिप्स मिशन भी आया, पूछ देता है, स्टूडेंट कन्फ्यूज था 1942 क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन हम लिख दिया हूँ। 1946 में यहाँ पे दो हुआ था, सीपीआर मूवमेंट मतलब जहाज के लिए वो हुआ था वहाँ पे, हम समझाएंगे, और दूसरा कैबिनेट विजन आया था, मतलब यहीं से जो है हमारा संविधान बनना शुरू हुआ, और बहुत सारे आर्टिकल है। और उसके बाद 1947 में लॉर्ड माउंटेन बैटन आकर के इंडिया पाकिस्तान को विभाजन करके क्या कर देता है, क्योंकि उस समय और भी एक इम्पोर्टेंट याद रखना है, जब उस लेबर पार्टी का जीत हो गया था इंग्लैंड में, तो लेबर पार्टी, तो लेबर एक गरीब को ही तो फील समझ सकता है,
अमीर अमीर का अमीर जैसे वो समझता ही नहीं, अपना देखता है। तो वही हुआ था जो एटली जो काम किया था, जो उस समय एटली जीता था, तो एटली बोला लॉर्ड मार्टिन को अब हमको नहीं इंडिया बनाना है। और उसका सुभाष चंद्र बोस मेन रियल हीरो था, क्योंकि ये जो हम बोल रहे हैं सी पी आर मूवमेंट, यहाँ पर बहुत कुछ है, वो एक फॉरवर्ड ब्लॉक उसका जैसे INS मतलब इंडियन नेवी आर्मी जो सिंगापुर जर्मनी जाकर के वहाँ से किए थे, तो उसके बाद जाकर के आकर के यहाँ पे बहुत सारा काम किए। लेकिन मिसफॉर्चुनेटली हम बोलेंगे जो उनका प्लेन से क्रैश किया हुआ जो भी हुआ, ऐसा माना जाता है एक्चुअली, हिस्टोरियन लोग सब इतना नहीं मानता अगर अकॉर्डिंग टू द पॉइंट देखने लोग, तो ये हो गया। लेकिन वहाँ पर बहुत सारा मारा गया था, तब सब जितना आर्मी था पूरा मतलब ये हो गया था, तब इंग्लैंड को समझ में आ गया जो अब जो है सो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। मतलब क्यों? क्योंकि जितना आर्मी था डिफेंस था सब एंग्री हो गया, अब डू और डाई 1942 में चल ही रहा था, बहुत कुछ जेल भी गया, क्विट इंडिया मूवमेंट भी बोलते हैं इसको, इसको ये याद रखना है। इसके बाद जो है सो 1946 में समझ में आ गया ये जो हम बोले सी पी आर मूवमेंट और कैबिनेट मिशन जो आया था, यह पे संविधान मिल गया और एटली PM था वहाँ पे और लेबर पार्टी से था, ये भी पूछ देता है याद रखना है। तो यहाँ पे हम 1951 भी एक पॉइंट दे दिया, हमारा देश तो आज़ाद, देश को तो आज़ाद करा दी, लेकिन हम सिर्फ टेंस के अनुसार से किए हैं। 1951 में ये जो है सो विश्व भारती रिकॉग्नाइज बाय द CU, ये याद रखना। विश्व भारती जानते हैं? विश्व भारती एक यूनिवर्सिटी है कोलकाता में, कोलकाता में नहीं है, शांति निकेतन में हम बोले हैं सब, यहाँ पर लिखा हुआ है शांति निकेतन। शांति निकेतन पहले 1909 में क्या था एक स्कूल का, उसके बाद जो है सो गीतांजलि यहीं पे रखा हुआ था, चोरी भी हो गया तो सुने होंगे बाद में। तो अब उसके बाद क्या है, राजा राम मोहन राय को मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया बोला जाता है, तो क्योंकि वह बहुत सारा वह जाति पाति में ये ब्रह्म समाज हम बोले हैं 1800 एबोलिस्ट कौन क्या था बेंटिक सब हम बोले हुए हैं। उसके बाद जो है सो विद्यासागर का लाइफ स्पेन क्या है, हम इसलिए बोल रहे हैं विद्यासागर यहाँ पे 1820 से लेकर के इनका 1891 तक है, राजा राम मोहन का 1772 से 1833। तो ये हमारा हो गया। और ये हम विवेकानंद के बारे में बोल ही दिए थे 1863 से, कौन देता है कब उनका जन्म हुआ, उनका निकनेम क्या था, तो उनका निकनेम नरेंद्रनाथ दत्त था। उसके बाद जब उसका गुरु कौन था, रामकृष्ण परमहंस था, रामकृष्ण परमहंस का नाम क्या था, गदाधर चट्टोपाध्याय था, ठीक है। तो ये सब याद रखना, बोलते बोलते सुनिएगा। तो वहीं पे जो है सो आर्ड इनका निक नेम क्या था स्वामी विवेकानंद का, नरेंद्रनाथ दत्त, ठीक है। कि वह सो पर्सन सो सिक्वेंसली आई हैव डिस्कस दिस एंड आई होप यू कैन अंडरस्टैंड एंड वॉच अगेन एंड अगेन, you can learn sequence. I will give it also many sequence wise here. First you have to understand, if you want to try to understand the history, then sequence wise here, what happened around 1905, this is the also important. Why? Because Japan defeated Russia. When goes to the world history, this is also important. तो 1905 में ये जो हम 1905 ये इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, लेकिन जब वर्ल्ड में जाए तो 1905 में एक ही तो, जैसे आज का डेट में एक ही तो घटना थोड़ी हुआ होगा, वर्ल्ड में बहुत कुछ हुआ होगा। तो आई होप ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा और इसको बार बार पढ़िए, और जो हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग जो है सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए। थैंक यू।